क्वेश्चन नंबर 180 ऑफ आरएमएस 2016 द क्वेश्चन इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज टू साइड्स विद लेंथ एक्स बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल मन्नत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल मोमेंट एंड यस चिराग मैम आइसोसेलस ट्रायंगल भी होते हैं जो टू एंगल सेम और वन एंगल डिफरेंस हो हाँ और जो कैसे टू साइड्स आर इक्वल ठीक है आइसोस्केल ट्रायंगल मींस टू साइड्स आर इक्वल तो टू साइड्स विद लेंथ एक्स तो एक बेस में सपोज कर लीजिए तो एसी क्या दोनों इक्वल है बोथ आर एक्स एंड थर्ड साइड इज हाफ ऑफ द एक्स तो थर्ड साइड है इसका हाफ है हाफ मींस एक्स अपॉन टू है फाइंड इट्स पेरीमीटर पेरीमीटर मींस बेटा ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मैम साइड सम ऑफ साइड यस सम ऑफ ऑल साइड्स बेटा वन साइड इसकी एक्स है सेकंड भी एक्स है थर्ड एक्स अपॉन टू है तुम्हारे पास क्या बन गया टू एक्स प्लस थ्री मैम टू एक्स प्लस एक्स बाय टू यस ठीक है तो बेटा टू एलसीएम आ जाएगा टू टू जब फोर एक्स प्लस एक्स बेटा फाइव एक्स अपॉन टू आएगा फाइव एक्स अपॉन टू बेटा बी ऑप्शन ठीक करो इसके लिए टू आएगा ये टाइप नहीं हुआ फाइव एक्स अपॉन टू ठीक है इज इट क्लियर मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पावर ऑफ टू एंड सेकेंड पावर ऑफ थ्री थर्ड पावर ऑफ टू पावर थ्री मैम टू की मैम टू का क्यूब निकालेंगे मैम एट और मैम सेकंड पावर ऑफ मैम थ्री का सेकंड मैम नाइन में से मैम एट माइनस कर देंगे एट माइनस कर देंगे तो वन आ जाएगा एंड थ्री का वन आ गया नाइन आ गया जस्ट बेटा राइट नाइन में से आपने इनका डिफरेंस निकालना है इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा नाइन माइनस एट कितना बनेगा वन ओके लक्ष्य क्लियर है बेटा थर्ड पावर ऑफ टू मीन्स टू पावर थ्री सेकंड पावर ऑफ थ्री मीन्स थ्री पावर टू टू पावर थ्री एट बने के बच्चे इसको सिक्स लिखते हैं टू पावर थ्री के बच्चे इसको सिक्स लिखते हैं इट इज रॉन्ग टू को आपने थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है मैम दैट इज एट ओके ओके मैम हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 182 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है बेटा 3720 प्लस 30 माइनस 2 पहले इन दोनों को प्लस कर लिया देन माइनस टू करेंगे 3748 बट आई थिंक समथिंग इज मैम यहाँ पे मैम मल्टीप्लाई बट डू इट अगेन बेटा इसके साथ ब्रैकेट में है 36 प्लस 48.24 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मैम हम निकालेंगे पहले मैम ब्रैकेट के अंदर हम 36 बाय 1 प्लस 48 करते हैं मैम हम पहले इसकी कटिंग हो रही है 12 टू 24 12 4 जा 48 2 2 जा 4 हमारे पास अंदर क्या बचा 36 प्लस 2 बचा ठीक है 24 टू 48 होता ना इसकी हमने कटिंग कर दी बेटा तो ये क्या बनेगा 3720 प्लस 30 माइनस 2 इंटू 38 बेटा इट बिकम्स 3720 प्लस 30 मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर माइनस 76 मैम योर वॉइस इज
कर लो, 3750 माइनस 76, अब बेटा इनको माइनस करो। मैम आंसर इज 8674। ओके यस, ए ऑप्शन इज कमिंग। 3674 बेटा, जस्ट राइट आंसर, डू इट। एक्स एंड वाई, ओके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ टू नंबर इज 40। हम लेट कर लेते हैं टू नंबर एक्स एंड वाई। मैम वन, मैम टू नंबर इज एक्स एंड वाई इक्वल टू 40। यस मैम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैम ये क्वेश्चन में ही मैम दिया गया है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। घटाने पर मैम कर देंगे तो मैम जो साइन है मैम वो बदल जाते हैं मैम, तो मैम एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा एंड मैम जो माइनस का वाई है वो मैम प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा, तो मैम एक्स से एक्स तो मैम कैंसिल हो जाएगा एंड मैम 2 वाई बचेगा। 2 वाई इज इक्वल टू मैम 36, वाई इज इक्वल टू 18। मैम एक नंबर में हमें पता चल गया तो मैम हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। यस, तो बेटा x प्लस 18 इज इक्वल टू 40। मैम पहले या दूसरे मैम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं मैम। यस, तो मैम x इज इक्वल टू मैम 22 एंड मैम मैम जो क्वेश्चन में मैम पूछा गया है कि रेशियो मैम निकालना है, तो मैम रेशियो मैम 22 रेशियो 18, सो मैम 2 से मैम करेंगे तो मैम 11 रेशियो 9। वेरी गुड बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको नहीं समझ आया। मैम हमें टू नंबर दिए थे, हमने वो लेट कर लिए एक्स एंड वाई, ठीक है, उनका हमें सम दिया था 40, मीन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड डिफरेंस इज गिवन 4, मीन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बेटा मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो एक्स प्लस का था वो माइनस बन गया, वाई माइनस का था वो प्लस बन गया, 4 प्लस का था वो माइनस बन गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज 18। अगर बेटा y 18 आ गया, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, x प्लस 18 इज इक्वल टू 40, तो x बेटा आपके पास आ गया 22। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y, इनकी रेशियो निकाल 22 रेशियो 18, 2 से डिवाइड कर दिया दैट इज 11 रेशियो 9। ओके बेटा, done all of you? Yes ma'am, done. Ma'am done. Sure, next question. Ma'am next question ka answer is 1. Ma'am next question ka answer is 1. 16 ko 4 se divide karenge to 4. Ma'am 4 ko 4 se divide karenge to 1 answer aa jayega. And ma'am isko ma'am isliye kahenge because ma'am 6 because ma'am jo ma'am question hai 4 मैम, क्योंकि मैम यहाँ पर मैम ब्रैकेट में है मैम, तो मैम पहले मैम हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मैम, तो मैम 16 डिवाइडेड बाय 4 कहेंगे तो मैम 4 आएगा एंड ब्रैकेट में हम कैंसिल हो गया, तो मैम बाहर का करेंगे मैम सॉल्व, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो मैम इट्स आंसर इज 1। यस बेटा, लक्ष्य समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम, मैम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मैम, 4 को 16 मैम, फिर हाँ फिर 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया ना। यस मैम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कैन आई एक्सप्लेन? नो 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 नो, अब आपकी टर्न नहीं आएगी। अब जैस्मिन क्वेश्चन रीड करो बेटा। यस मैम, मनोज ईट्स 8 बनानास इन द मॉर्निंग, 5 इन द आफ्टरनून एंड 2 इन द इवनिंग, हाउ मेनी डजंस ऑफ बनानास डज ही ईट इन डे? हाँ बेटा, अब बताओ क्या समझ आया आपको क्वेश्चन में, क्या मीनिंग है इसका? मैम इसमें बोल रहे हैं मनोज 8 केले सुबह को खाया और 5 केले आफ्टरनून में और 2 इवनिंग में मैम, और बोल रहे मैम इट इज टेलिंग नाउ कितने डजंस
मनोज ने खा लिए एक हाँ, दिन में यस। तो उसने टोटल कितने बनानास खाए, हाउ मेनी बनानास ही ईट? मैम 15। अब इसको मैंने डजन में कन्वर्ट करना है, मैं उसे डजन में पूछा है, तो इसको हम डजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैम वी विल मल्टीप्लाई। वन डजन में कितने होते हैं मैम? 12। ठीक है, तो 15 को हमने डजन में कन्वर्ट करना, तो बेटा हम वी विल डिवाइड विद 12। ओके मैम, 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बन गया मैम? 12 एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 3। हाँ, तो बेटा अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 3/12। ठीक है, यस मैम, 3/12 की कटिंग हो रही है 3 के टेबल पर, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 1/4, दैट इज यस ए। ओके 1 1/4। ओके मैम, आई एम टेल नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशांत क्लियर बेटा? सुशांत यस मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन मैम समझ नहीं, क्वेश्चन नंबर 186। लक्ष्य क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैम आई एम टेल। मैम पहले वाला क्वेश्चन समझ गई। मैम 1/2 मल्टीप्लाई हाइट समझ के आया, बता रही हूँ दोबारा से एक मिनट वेट कर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मैम 1/2 2 मल्टीप्लाई हाइट इनटू बेस बना 1/2 बेस इनटू 2 मल्टीप्लाई 10 इनटू हाइट। मैम आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड मैम ये जो मैम होता है मैम ये मैम राइट एंगल ट्रायंगल का मैम एरिया होता है मैम। यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बेस बोलते हैं। दिस वन इज बेस, इट इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालो कितना आ जाएगा? 540 कर दो मैम। 228 मैम, 8 इज 8 को मैम 8 इंटू मैम 1/2 इंटू 8 इंटू 10 करेंगे तो मैम 2 से मैम 4 बार एंड 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, तो मैम एरिया इज 40। यस 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस मैम। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा पहले वो ए तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर, फिर वो बी से ए की तरफ आई तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर। अब बेटा वो सेम डिस्टेंस पर मूव कर रही है, ठीक है, तो हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो, 2xy/x + y। कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, दैट इज अ सी ऑप्शन। ओके 729 ए पावर 9 है, बी पावर 6 है, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट इज पावर 1/3। अब बेटा 729 किसका क्यूब होता है? 729 9 का, 9 81 9 7 29 3 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
बाहर पावर कितनी है हमारे पास 1/3। और बेटा यू कैन राइट, अब सभी की पावर 3 बन रही है, 9a3b2। इन सभी की पावर कितनी है 3, मतलब 3 पावर बेटा कॉमन निकाल ली, बाहर पावर कितनी है 1/3 क्यूब रूट है ना, 1/3 बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 9a³b² दैट इज सी ऑप्शन। मैम यस मैम, में जो इस तरह में जो ट्रायंगल के शेप में जो शाइन है मैम उससे हम क्या कहते हैं? बेटा जो ना टाइप होने में ऐसा हुआ हुआ है कंप्यूटर में, ऐसा पावर होती है जैसे ये ए ऐसे 9 बना हुआ ना, इट मींस ए पावर 9 है और कुछ नहीं है, ये ए पावर 9 है। ओके मैम। ओके, ए पावर 9 है, बी पावर 6 है, तो इसका आंसर आ गया 9a³b² बेटा। क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, ए बैच ऑफ वाटर वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। बॉक्सेस कितने हैं आपके पास? 25 विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इन वन बॉक्स हाउ मेनी बॉटल्स? 12 बॉटल्स। टोटल बॉटल्स कितनी हो गई? टोटल कितनी बॉटल्स पैक हो रही हैं? 25 × 12 = 300 तो हाउ मेनी बॉक्स वुड वी फिल, अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल फिल करेंगे तो कितने बॉक्स फिल होंगे? हाउ वी विल फाइंड इफ इन वन बॉक्स 20, यस डिवाइड कर देंगे बेटा मैम 12 से, देन नंबर ऑफ बॉक्सेस मैम 300 डिवाइड बाय 20, सो इट्स आंसर इज मैम 15, यस 15 बॉक्सेस। 4, 5, 6 का मैम। यस बेटा, बेटा मैंने पहले बताया था अगर आपको लिस्ट नंबर इज गिवन देन यू हैव टू राइट, देन बेटा यू हैव टू डू एलसीएम, इफ मैक्सिमम नंबर इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड द एचसीएम। ठीक है, देन वी आर लार्जेस्ट सो वी कैन डू एचसीएम। यस, एलसीएम ऑफ 4 5 6 इज 60। 60 आ रहा है? यस मैम। 2 2 60 आ रहा है मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।